गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल अफरोज़ास व्लॉग। दार्जिलिंग में हमारा डे टू स्टार्ट हुआ था खूबसूरत सनराइज़ से। इससे पहले दार्जिलिंग व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था हम लोग कैसे शियालदा से एनजीपी पहुँचे और एनजीपी से हम लोग कैसे दार्जिलिंग पहुँचे और कहाँ पर रुके थे। जिन लोगों ने मेरा पुराना व्लॉग नहीं देखा उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं रूम टूर से। रूम से अंदर आते ही व्यू कुछ ऐसा है। एक डबल बेड, टीवी, इधर पे एक मिरर दिया था। एक बड़ा सा वार्डरोब और वॉशरूम। वॉशरूम काफ़ी बड़ा था और गीज़र पे 24 आवर्स पानी भी अवेलेबल था। हमारे होम स्टे के टेरेस से व्यू कुछ ऐसा था। डे टू में मॉर्निंग पे हम लोग सुबह ही चले गए थे दार्जिलिंग के फेमस कैफ़े एंड रेस्टोरेंट ग्लेनरीज पे। ये रेस्टोरेंट 100 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना है। ये बना था ब्रिटिश कॉलोनियल डेज पे। सुबह 6:30 से रात 9:30 तक रेस्टोरेंट ओपन रहता है। ब्रेकफास्ट टू डिनर सब कुछ इधर पे मिल जाता है। ये रेस्टोरेंट अपने बेकरी आइटम के लिए ज़्यादा फेमस है। इसके सिवा इधर पे कॉन्टिनेंटल फूड और इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलता है। बेकरी आइटम के लिए इधर पे अलग से पूरा एक सेक्शन है। मॉर्निंग में मैं जब गई थी तब बेकरी आइटम रिफिल हो रहा था तो ज़्यादातर चीज़ें अवेलेबल नहीं थे। बेकरी आइटम आपको खुद से ही लेना पड़ेगा। एक बास्केट रहता है जिसपे तो आपको खुद से ही वो पिक करना पड़ता है, फिर जाके बिलिंग काउंटर पे देना पड़ता है। इधर पे कोई आपको अलग से नहीं देगा, ऐसे आपको एक बास्केट में सब कुछ पिक करके बिलिंग कराना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद चले गए थे महाकाल मंदिर। आप नास्तिक हो या आस्तिक हो एक बार ये मंदिर ज़रूर विज़िट करना। ये मंदिर देखने में बहुत सुंदर है। इस मंदिर में आपको हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म का सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा। मंदिर विज़िट करने के बाद हम लोग चले गए थे टॉय ट्रेन के लिए, जिसका टिकट हम लोगों ने पहले से ही बुक करके रखा था IRCTC पे। आप लोग चाहे तो स्टेशन पे आके भी टिकट ले सकते हैं, लेकिन पिक सीज़न पे टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए हम लोगों ने टिकट पहले से ही बुक करके रखा था। ये राइड जॉय राइड के नाम पे बुक करना पड़ता है। ये दार्जिलिंग टू घूम स्टेशन लेके जाता है, फिर घूम से दार्जिलिंग वापस लेके आता है। ये इधर पर दो टाइप का ट्रेन है, एक है डीजल और दूसरा है स्टीम इंजन। पर पर्सन डीजल इंजन का 1000 रुपीज़ और स्टीम इंजन का 1500 है। हम लोगों ने स्टीम इंजन का टिकट लिया था। ये विस्ता डोम कोच है जिधर पे आपका ऊपर का रूफ भी ओपन रहता है। ट्रेन बीच में 15 मिनट्स के लिए बतासिया लूप पे रुकेगा। ये जॉय राइड पे बतासिया लूप का टिकट भी इंक्लूड रहता है, अलग से एंट्री टिकट की ज़रूरत नहीं है। बतासिया लूप के बाद नेक्स्ट स्टेशन है घूम स्टेशन। ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्टेशन और इस स्टेशन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एरिया का भी खिताब मिला है।
घूम स्टेशन में ट्रेन 20 मिनट के लिए रुकता है, आप इधर पे थोड़ा बहुत खा सकते हैं, बट सभी चीज़ें बहुत ही ओवर प्राइज्ड है। और घूम स्टेशन में एक म्यूज़ियम भी है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। 20 मिनट के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े थे दार्जिलिंग की तरफ। घूम से दार्जिलिंग लौटते टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करेंगे, क्योंकि ट्रेन तब उल्टा चलता है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अभी हम लोग पहुंच गए दार्जिलिंग स्टेशन, और थोड़ा बहुत फोटो सेशन करके इधर से हम लोग निकल गए फिर से हमारे होटल की तरफ। रास्ते में चलते हुए स्टेशन से निकलते एक छोटा सा कैफ़े है, ये टॉय ट्रेन के जैसा दिखने में है, जो मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए इस कैफ़े में गए थे, लेकिन जब गए तो पता चला ये कैफ़े शाम को खुलता है 7 बजे से, तो ये टाइम पे पूरा खाली ही था। हम लोगों ने जॉय राइड जो लिया था वो 11:30 मॉर्निंग का लिया था, तो वो पूरा सफ़र ख़त्म करते करते 2 बज चुके थे। लंच करके हम लोग होटल पे लौट गए थे। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी बाकी साइट सीन और कहाँ से शॉपिंग किया और क्या खरीद। आज के लिए इतना ही। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।